सलीम चचा अख्तर मियाँ। सलीम मियाँ के टेस्ट की रिपोर्टें तो आ गई। जिस्मानी तौर पर उन्हें कोई बीमारी नहीं। उनके इम्तिहान से पता चला कि उनमें भी कोई खराबी नहीं। खून का सबसे बड़ा इम्तिहान तो खानदान होता है अख्तर मियाँ। हमें अपने खून और खानदान पर नाज है। आपने दुरुस्त फरमाया चचा हुजूर। सब डॉक्टरों की यही राय है कि रेल के हादसे में भाभी नाहिद की अचानक मौत से सलीम मियाँ को शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है और वो अभी तक यही समझते हैं कि भाभी नाहिद जिंदा है। छोटे सरकार खाना लगा दिए। चली जाओ यार। वो बार बार नाहिद को पूछता है। अब तुम ही बताओ हम नाहिद को कहां से लाएं? चचा हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं चंद रोज के लिए सलीम मियाँ को अपने साथ ले जाऊं। माहौल और आबो हवा की तब्दीली उनके लिए मुफीद साबित होगी। बखुशी ले जाओ अख्तर मियाँ, बखुशी ले जाओ। तुम उसके बचपन के दोस्त और साथी हो। हमें यकीन है कि तुम उसके इलाज और देखभाल में कोई कमी नहीं रखोगे। आप मुतमईन रहिए चचा हुजूर। अख्तर मियाँ, सलीम हमारा इकलौता बेटा है। उसी के दम से हमारे खानदान का नाम कायम रहेगा। उसकी तंदुरुस्ती और खुशी हमारे लिए दुनिया की हर चीज से बढ़कर है। तो सलीम मियाँ, तुम इस कुर्सी पर बैठकर झूला झूलो। मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बनवा कर लाता हूं। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी को बहुत बुखार है, जरा चलकर देख लीजिए ना। डॉक्टर साहब, तुम आ गए? जी, मैं तो। तुम मुझे छोड़ के कहाँ चली गई? जी डॉक्टर, मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा तुम। डॉक्टर साहब, मैं अपनी अम्मी की दवाई लेने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। दुल्हन भागी आप? उफ अल्लाह, यहाँ तो सारे ही पागल है। देखो अफसर, इस लड़की के पीछे जाओ और मुझे आकर बताओ ये कहाँ रहती है। बेहतर जनाब। हाय हाय, तुम तो कहती थी मैं डॉक्टर से दवा लेकर आऊंगी, कि फिर हकीम से दवा ले आई। एक डॉक्टर के पास गई थी अम्मी, मगर पता नहीं वो कैसा डॉक्टर है। कैसा डॉक्टर है? अजीब ही आदमी है वो तो। अम्मी जी, पहले तो वो मुझे चुपचाप घूरता रहा और फिर नाहिद चीखता हुआ मुझे पकड़ने को दौड़ा। हाय अल्लाह, फिर क्या हुआ? मैं तो सर पर पैर रखकर भागी वहां से और सीधी हकीम जी के पास आकर आपके लिए दवा ले आई। खाक डालो ऐसे डॉक्टर पर, फिर कभी उधर मत जाना बेटी। लो, मुझे क्या पड़ी है वहां जाने की। मैं अंदर आ सकता हूँ? फरजाना, वो अंदर जा। आदाब बजा लाता। तुम यहाँ क्यों आए शमसू? बस क्या बताऊं, दिल में एक भूख सी उठी और आपको सलाम करने चला आया। खुदा झूठ न बुलवाए, तुम्हारी ये हालत देखकर कलेजा मुको आता। मगर मैं बहुत खुश हूँ शमसू। अजी खास खुश है। कहाँ वो ऐश इशरत, कहाँ वो रौनकें, वो रंगीनियां, वो दौलत की रेल पेल। खुदा झूठ न बुलवाए, बड़े बड़े नवाब और रईस हाथ बांधे एक इशारे के मुंतजर खड़े रहते। हाय, तुमने तो अपनी दुनिया वीरान कर लिया आफ्ताब भाई। मगर मैंने अपनी आखरत तो संवार ली है शब्दों। अजी छोड़ो, आखरत की खबर खुदा जाने। तुमने अपनी जिंदगी एक नवाब की भेंट चढ़ाकर तबाह कर ली। अब लड़की की जिंदगी, उस गुनाह की जिंदगी का जिक्र मेरे सामने मत करो। अल्लाह का बड़ा करम हुआ
के गुनाहगार होने से पहले एक शरीफ आदमी ने मेरा दामन थाम लिया। अभी मेरे पास कुछ जायदाद बाकी है, मैं और मेरी बेटी उसमें बखूबी गुजारा कर सकते हैं। अरे छोड़ो, ऐसी शराफत और ऐसी नवाबी किस काम की कि इधर नवाब साहब की आंख बंद हुई और उधर हवेली वालों ने तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को धक्के देकर निकाल दिया। मैं तो कहता हूँ कि अब भी कुछ नहीं गया, तुम्हारी बेटी शमसु, मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज भी मुंह से निकाले तो मैं तेरी जुबान खींच लूंगी। वो मेरी तरह लावारिस नहीं है जिसे तुम्हारी बाई जी ने खरीद कर पाल लिया था, वो एक नवाब की बेटी है। बस वही तो हमारे बेटे का इलाज है। कौन है वो, कहाँ रहती है, उसे फौरन हमारे पास ले आओ, हम उसके लिए मुंह मांगे कीमत देंगे। क्या बात है, तुम खामोश क्यों हो गए? चचा हुजूर, मैं उसके घर गया था, उसकी माँ से भी मिला था। तो फिर उसका मुतालबा सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। क्या मुतालबा है उसका? 50,000, लाख, 2 लाख? वो पैसा नहीं मांगती चचा हुजूर। तो क्या मांगती है? सिर्फ इज्जत की तलबकार है। इज्जत? जी हाँ, वो सिर्फ इस शर्त पर अपनी बेटी देने को तैयार है कि आप उसे अपनी बहू बना लें। इसके सिवा उसे और कोई शर्त मंजूर नहीं। वो मक्कार औरत हमारी मजबूरी से नाजायज फायदा उठाना चाहती है। कौन है वो लोग? बहुत गरीब लोग हैं। खानदान क्या है? ये वो हसनाबाद के नवाबत खान अली की बेटी है। नवाब साहब के इंतकाल के बाद खानदान वालों ने माँ बेटी को हवेली से बाहर निकाल दिया। समझ गया, तवायफ है। लेकिन उसकी माँ पेशावर तवायफ नहीं थी, नवाब मरहूम ने उससे बाकायदा निकाह किया था। मगर उसके रगों में एक तवायफ का खून है। इसके बाद हम एक लफ्ज भी सुनाना नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि हम अपने बेटे की शादी एक तवायफ जादी से करके अपने खानदान की इज्जत हाथ में मिला दे? हमारी जिंदगी में ये नहीं हो सकता। सोच लीजिए चचा हुजूर, ये सलीम मियां की जिंदगी का सवाल है, वो इस खानदान के आखिरी चश्म चिराग है। लेकिन इस चिराग से हम अपने घर को आग नहीं लगा सकते। तुम इसके लिए कोई और इलाज तलाश करो। ये सलीम मियां की जिंदगी का सवाल है, वो इस खानदान के आखिरी चश्म चिराग है। हालत बिगड़ती जा रही है चचा हुजूर, अगर यही हाल रहा तो उन्हें जंजीरों में बांधना होगा। मजबूरी है, इसके सिवा कोई इलाज नहीं। तुम भूल रहे हो अख्तर मियां, इसका एक और इलाज भी है। नाहीद मैं उसकी हर शर्त मंजूर है, निकाह खामोशी से होगा, तुम
आज ही जाकर उसे ले आओ। उसे लाने के लिए आपको जाना होगा चाचा सर। औलाद की खातिर हमें जहर का ये घोंट भी पीना पड़ेगा। आज से आपका नाम फर्राना नहीं नाहिद है भाभी दुल्हन। सलीम मियां को ये महसूस ना होने दें कि आप नाहिद नहीं हैं। इसी में उनकी और हम सबकी खुशी और भलाई है। आप अपनी मोहब्बत और खिदमत से उनका ही नहीं चचा हुजूर का दिल भी जीत सकती हैं। मेरी तरफ से आपको नई जिंदगी और नया घर। मैंने दुल्हन भाभी को सब कुछ समझा दिया चचा सर। अख्तर मियां, फरजाना की असलियत का इन किसी को भी नहीं होना चाहिए। यह हमारा खानदानी राज है, इसे राज ही रहना चाहिए। ऐसा ही होगा चचा सर। फिर चली गई। नहीं, नहीं तुम आ गई, तुम आ गई आगे। अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। अब तो ये जिंदगी आपके कदमों में गुजरेगी। मुझे माफ कर दीजिए, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठाना पड़ी। नहीं, अब मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। नवाब साहब, दुल्हन बेगम सलाम के लिए हाजिर होना चाहती है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप क्या फरमा रहे हैं चचा हुजूर? अख्तर मियां, हमने बेटे की जिंदगी के लिए अपने खानदानी विकार का गला घोंट दिया है, मगर हमारा जमीर तो अभी तक जिंदा है। मगर चचा हुजूर, वो हमारे बेटे की सिर्फ जरूरत है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। उसे कह दो कि वो कभी हमारे सामने ना आए। मैं भी अच्छा लोग हूँ। आप तो बहुत अच्छे। फिर मुझे भी प्याली में पीनी चाहिए ना। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे कहना कितना मानता हूँ। जरा नवाजी है आपकी। एक घूट और। छोड़िए। जी मुझे मालूम है कौन है। बंद कीजिए इसको बिल्कुल। अच्छा इधर आके बैठिए आप मेरे। ना खुद पढ़ती है ना मुझे पढ़ने देती है। पता है क्या, मैं अलीफ बे पढ़ रहा था। उस तो सीखेगा अलीफ बे पढ़ के आदमी।
है? अच्छा तुम कान में एक बात तो सुनो। मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ भाई आओ, अफसर मियां बुरे वक्त पे आए हो। आदाब भाभी। तस्लीम। यूं नहीं, छोटों को दुआ देते हैं। अरे हाँ भाई, इसे भी दुआ दे दो, इसके सर पे भी सेहरा बने, तब तक कमारा रहेगा। हाँ हेलो, ये आ गया, आप खुद पूछ लो उससे। क्या क्या बात? तुम एक बात बताओ, इमली और अचार खाने से गला खराब होता है? बिल्कुल होता है। सुन लिया आपने जना? जरा थोड़ी सी डॉक्टरी अपनी भाभी जान को भी बता दो, इन्होंने सारे बाग की इमलियां और सारे घर का अचार खत्म कर दिया। अरे क्यों भाभी? देखा, जवाब नहीं बन पड़ा तो भाग गए। वैसे तुम भी थोड़ी सी डॉक्टरी सीख लो। क्या मतलब? मतलब ये कि भाभी जो कुछ खाती हैं उन्हें खाने दो, मत टोको। अरे उसका गला क्या खा? गला गला लगा रखी, समझा करो, तुम बाप बनने वाले। किसका बाप? अरे अपने बच्चे का और किसका है? हाँ? अरे वाह 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 वाह, तूने तो बहुत बड़ी खबर सुना दी। है तू बैठ मार। अरे हाँ, तुम्हें काम करो, यहाँ एक छोटा सा झूला और डलवा दो। किस लिए? मेरे लिए। तौबा कीजिए, आप कब से बच्चे बन गए हो? जनाब जब से बच्चे का बाप बना हूँ उस वक्त से आपने मेरी तरफ ध्यान देने ही छोड़ दिया। मुश्किल तो ये है कि मुझे एक वक्त में दो बच्चे संभालने पड़ते हैं, जिसकी तरफ तवज्जो ना दो वही शोर मचाता है। जी लो मुन्ने, अब अपने अब्बू हुजूर को खुद ही मना लो, ये तो तुमसे छोटे मुन्ने हो गए, इतना गुस्सा नाक पे। हाँ जी, तो राम करो।
एक काम करो, अपनी अम्मी जी को राम करो, इनसे कह दो रूठे ना, चैन हमारा लूटे ना, अम्मी से कह दो अबू का जीना यूं ना हराम करो, मुन्नी तुम एक काम करो, अपनी अम्मी जी को राम करो। गुपलू, अरे अरे तू कितना प्यारा है। अरे अरे ये क्या कर दिया बदतमीज, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए है। अरे अरे गुस्ताख है तो कपड़े खराब कर दिए, उसमें शोर मचा रहा है। अरे बस बस मेरे चांद, मेरे चांद। हाँ देखो आप मेरा मजाक उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहे आप हमारा, हंस रहे। बेटे अब ये कपड़े हम नहीं बदलवाएंगे, कोई और बदलवाएगा। शाबाश मुन्ने, आखिर अपने दादा हुजूर को मना ही लिया ना। आदाब रे भाभी दुल्हन। अरे आख्तर क्या हाल है? ठीक है बस भाभी दुल्हन, जरा सा काम नहीं कर सकती आप, हमारा एक दुल्हन तो ढूंढ कर नहीं दिया आपने। जनाब ये फिलहाल कोई काम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ है? बस यूं ही। अच्छा अच्छा सलीमिया तुम शिकार पर नहीं चलोगे? हाँ हाँ जाएंगे, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। अच्छा तो तुम तैयारी करो, मैं चलता हूँ। तुमने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि तुम्हें अचार और इमली खाने की दोबारा आदत पड़ गई? हाय अल्लाह तौबा, कितनी बेशरम है आप, सारे जमाने में ठंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? अरे जब साहबजादे तशरीफ लाएंगे तो ट्याव ट्याव करके खुद ही ठंडोरा पीट देंगे, पगली कहेंगी।
चाल है हुजूर, इधर तवज्जो फरमाइए। अब तो उस तरफ तवज्जो करना बहुत मुश्किल है मीर साहब, जरा आप इधर तवज्जो फरमाए। देखिए कोई खतरा मोल मत लीजिएगा। तुम फिक्र क्यों करती हो, असल शिकार तो अख्तर मियां खेलेंगे, हम तो खाली तमाशाई होंगे। खुदा खुदा। इस हवेली में नहीं रह सकती, यही हमारा फैसला है। खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए अब्बा हुजूर। खबरदार अगर तुमने हमें अब्बा हुजूर कहा, हम तुम्हारी जबान से अपने लिए ये लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते। मुझे अपने कदमों में पड़ा रहने दीजिए, मुझे मेरे बच्चे से जुदा मत कीजिए। इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर दो, अब तुम्हें जिंदगी भर गुमनाम होकर रहना होगा। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि हमारा पोता एक तवज्जो शादी का बेटा है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मैं इसकी माँ हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगी। हमारा फैसला अटल है। मेरा नहीं तो अपने होने वाले पोते का कुछ ख्याल कीजिए। क्या बक रही हो? मैं सच कह रही हूँ। मैं खामोश तवज्जो, आखिर उतर आई ना अपनी असलियत पर। हमारी हवेली में तुम्हारे गुनहगार वजूद के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जाओ अपनी मधुर सूरत लेकर इतनी दूर चली जाओ कि हमारे पोते की पेशानी तुम्हारे गुनाहों से दागदार न हो। हमारा पोता नवाब ज्यादा है, तुम्हारा बेटा कहलाना उसकी तौहीन है। और कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने अपने या हमारे पोते के बारे में किसी के सामने जबान खोली तो वो दिन तुम्हारे बेटे की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये राज कभी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी बच्चे को जन्म दिया था, मगर मेरा होने वाला बच्चा। इस दुनिया में तुम्हारे लिए नवाबों की क्या कमी है, तुम इसे किसी भी नवाब का नाम दे सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं नवाब साहब? मैं अपने होने वाले बच्चे पर किसी नवाब के नाम का थप्पा नहीं लगने दूंगी। मैं खुद उसकी परवरिश करूंगी और खुदा ने चाहा तो एक दिन दिखा दूंगी कि अच्छी औलाद की तरबियत नवाबों की ऊंची हवेलियों में नहीं माँ की गोद में होती है। मुन्ना रो रहा है, अगर आप इजाजत दें तो एक बार उसे जी भर कर देख लूं, प्यार से उसे गले लगा लूं, सिर्फ एक बार। उसे भूल जाओ, अब उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। रो बेटी मत रो, ये गरीबों की नहीं अमीरों की दुनिया है बेटी। यहाँ मर्द जात की हुकूमत है, औरत नवाब की बेटी होकर भी दवाई जाती ही रहती है और मर्द तो वाइफ का बेटा होकर भी नवाब ज्यादा ही कहलाता है। यही इंसाफ है मर्दों का बेटी, यही इंसाफ है मर्दों का। तुझ पर यह आफत मेरी वजह से आई है, मेरी वजह से आई है बेटी।
मैंने सोचा था तुझे किसी नवाब से ब्याहूंगी, तू नवाब शादी बन जाएगी, मगर अपनी बदनसीब माँ की तरह तू भी तवाइफ रही, तवाइफ शादी। अम्मी जी, मुझे छोड़ के मत जाइए। ये आपने क्या जुल्म किया चचा हुजूर? सीमिया की आंख बंद होते ही। हाँ, जहर का ये प्याला हमने सलीम मियां की खातिर ही मुंह से लगाया था, मगर जब वो ही नहीं रहे तो गंदगी के इस ढेर की हमें क्या जरूरत है? उस औरत का साया भी हमारे पोते पर नहीं पड़ना चाहिए। मगर वो उसकी माँ है। उसकी माँ नहीं हो सकती, वो एक तवायफ की बेटी है, वो हमारे पोते की माँ किसी नहीं हो सकती। अगर किसी को पता चल गया तो माँ का लफ्ज हमारे पोते के लिए गाली बनकर रह जाएगा, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कि वालदा को कौन तो मुझे तो भी दी, ये घर छोड़ के चले गए। कहाँ? अल्लाह जाने। कहाँ चले गए? मेरे अच्छे बेटे। अच्छा ये देखो, देखा कैसी है? अभी चलाऊंगा। अभी चलाएंगे? ये लीजिए बेटे, मैं आपको एक मिनट। हाँ चलाइए। आदाब नवाब साहब। आइए आइए मीर साहब, आइए। छोटे नवाब की सालगिरह के इंतजामात सब मुकम्मल हो गए। बहुत खूब बहुत खूब भाई, हम अपने साहबजादे की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाएंगे।
छुट्टी भागो 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 जल्दी भागो भागो जल्दी अनवर छुट्टी की घंटी बज गई मम्मी इन बच्चों पर नहीं तो कम से कम इस बच्चे की माँ पर ही कुछ रहम कीजिए बहुत बुरी बात है अनवर हम लोगों के बच्चों को पढ़ाने के पूरे पैसे लेते हैं फिर इतनी जल्दी छुट्टी किस लिए उन लोगों के माँ बाप क्या सोचते होंगे मम्मी माँ बाप का आपको इतना ख्याल है और इन मासूम बच्चों का जरा ख्याल नहीं है इतनी देर से तो पढ़ रहे थे बेचारे एक दुनी दुनी दो दुनी चार तुझे बातें बनाना बहुत आती है बताओ मम्मी असल बात क्या है मम्मी अब आपको काम नहीं करने दूंगा जब से होश संभाला है आपको मेहनत ही करते देखा है आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया मम्मी अरे पगले तुझे क्या बताऊं मुझे कितनी खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि तू अच्छे नंबरों में पास हो रहा है कॉलेज में तेरा नाम है सब तेरी तारीफें कर रहे हैं और देख लेना एक दिन जब तू बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा ना तो उस दिन मेरे ख्वाबों की ताबीर पूरी हो जाएगी और मैं दुनिया के सामने फखर से सर ऊंचा करके चल सकूंगी मेरी जिंदगी बनाते बनाते आपने अपनी क्या हालत बना ली है मम्मी मम्मी आपके हाथों में छाले पड़ गए अरे बेटे ये इस बात के गवाह है कि तेरी माँ ने जिंदगी भर खुदा के सिवा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए मगर अब मैं आपको काम नहीं करने दूंगा मम्मी मैं नौकरी करूंगा मैं अब आप पर बोझ नहीं बनूंगा मम्मी मैं कॉलेज छोड़ दूंगा अनवर मम्मी मैंने फैसला कर लिया है तुम कौन होते हो मुझे फैसला सुनाने वाले मैं तुम्हारी माँ हूँ तुम्हारे मुताबिक फैसला करना मेरा काम है लेकिन मम्मी मैं बस और माँ से बहस करते हो मम्मी मेरी बात तो सुनिए चल उठ खाना खा ले मुझे भूख नहीं है माँ से नाराज हो गया है चल माँ को माफ कर दे बेटा ऐसा मत कहिए मम्मी जो गुनाहगार मत कीजिए आखिर मेरा बेटा है ना जब माँ ने औरत होकर जमाने से हार नहीं मानी तो फिर तू कैसे मानेगा चल उठ चल जाने पिता हेलो अंकल हेलो भाई कामरान मियां वो मैंने शिकार का प्रोग्राम बना लिया गुड वेरी गुड अरे भाई अख्तर मियां क्यों ऐसे उल्टी पट्टी पढ़ाते हो एक तो पहला फुसला कर इसे लाहौर के कॉलेज में दाखिल करा दिया अब छुट्टियों में इत्मीनान से घर में तो बैठने दो आप फिक्र ना कीजिए बहुजूर आपकी इजाजत नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे
और हाँ बरखुरदार, सुना है तुमने सवार अफ्तार को गोली मारने का हुक्म दिया है। अरे वो तो बहुत अच्छा घोड़ा है बेटे। खाक अच्छा है, एक जरा सी बार तो फलांग नहीं सका, उसकी वजह से आज मुझे बहुत जिल्लत उठानी पड़ी है बहुजूर। भाई खेल में हार जीत तो होती रहती, लेकिन मैं हारने का आदी नहीं हूं अंकल। आखिर हमारा खून है ना, हमारा खानदान है। अरे हम भी बढ़कर खानदान किसका होगा? अरे पीढ़ियों से जंगजू रईस चले आ रहे हैं। अरे इसीलिए तो कहता हूँ तारीख पढ़ो तारीख। ओहो भाई जान, इसी के रिश्ते का तारीख से क्या ताल्लुक? अरे क्यों नहीं है, वो बहुत बड़े खानदान की बेटी है। और फिर ये क्या कम है कि वो हमारी बेटी है। अरे मेरा बेटा भी तो इसी खानदान का है, आपका भांजा, दोनों एक साथ पले बड़े हैं। शायद तुम ठीक कहती हो, लेकिन मामूजान आपका कौन? अरे तुम अपनी चोंच बंद रखो। हाँ हमें खूब याद आया कि हम अपनी बेटी का रिश्ते का कॉल दे चुके हैं। हाँ एक बार जब हम शिकार खेलने गए तो हमारी मुलाकात वहाँ एक नवाब से हो गई। हम दोनों ने बचपन ही में बेटी बेटी की शादी तय कर दी। मगर अब आपके वो दोस्त और उनका बेटा है कहाँ? हाँ ये तो हमें खुद भी मालूम नहीं, और मुश्किल तो ये है कि हमें अपने दोस्त का नाम तक याद नहीं रहा, और उन्होंने अपने बेटे का खुदा जाने क्या नाम बताया था। एक दिन आपने आसिफ बताया था मामू जान। हाँ ये बात है, हमने आरिफ के बाप को कॉल दिया था कि हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से कर देंगे। हाँ तुम तो जानती हो कि हमारे खानदान के लोग कॉल पर तो जान दे दिया करते हैं, अगर याद नहीं रहा ना तो तारीख पढ़ो तारीख। इसका मतलब यह है कि इसी की शादी वही होगी जो आपने कॉल दे रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओ भाई जान, तो मेरे बेटे में क्या बुराई है? ये तुम खुद अपने बेटे से पूछ लो। अरे हाँ मियाँ, तुम अपनी अम्मी को बता दो है? लो हम जा रहे हैं, हमारे टहलने का वक्त हो गया है। लो हम जा रहे हैं, हमारे टहलने का वक्त हो गया है। अम्मी जान मैं आपसे ये कह रहा हूँ। प्लीज शौकत, इफी वैसे तुम हो बड़ी जिद्दी, तुम्हारी जगह मैं होती तो अब तक पागल हो जाती। वो किस लिए? उफी जान तुम्हारी शादी शौकत से करना चाहती है, और चाचा जान ने अपने दोस्त के बेटे को कॉल दे रखा है। अच्छा, मैं तो ये सोचती हूँ कि उस गरीब का क्या होगा। कौन गरीब? अनवर। और कौन? चल बदतमीज, अनवर का यहाँ क्या जिक्र है? मुल्तान में उसके साथ पढ़ती थी तो अनवर अनवर करती थी, वो लाहौर आया तो तुम भी चाचा जान को बहला फुसला कर लाहौर ले आई। मुझे तो ये डर है कि अगर किसी दिन सचमुच वो नवाब का बेटा यहाँ आन टपका तो क्या होगा। तुम फिक्र ना करो। नारीन नारीन, तुम फिर आ गए मेरे पास। और फिर कहाँ जाऊँ मैं नौरीन? तुम्हारी अम्मी को तुम्हारा मुझसे मिलना पसंद नहीं है। देखो नौरीन, तुम तो जानती हो कि जब से हमने बोतल का दूध छोड़कर टॉफियाँ डबल रोटी खानी शुरू की ना, उस वक्त से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारे माँ बाप नहीं थे, मेरा बाप नहीं था, इफ्फी की माँ नहीं थी, हम सब बिन माँ बाप की औलाद हैं, एक ही घर में पले बड़े हैं, और तुम्हें तो मालूम है कि इफ्फी को मैं अपनी बहन समझता हूँ। क्या कहा? फिर वही मुर्गी की एक टांग। अरे पगले, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रिश्ते की बहनों से शादी जायज होती है। मगर अम्मी नारीन भी तो मेरे रिश्ते की बहन है। शौकत, मैंने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि तुम्हारी शादी इफ्फी से करूंगी। मगर अम्मी आपके बचपन में तो इफ्फी और मैं दोनों नहीं थे ना। जी फिर
आओ और मत बेटी। अरे खाला जान, ये आप क्या कर रही हैं? रजाई में डोरे डाल रही हूँ। नई रुई डलवाई थी ना, मुझे कहा होता मैं डाल देती। जी हाँ मम्मी, डोरे डालने में तो ये चैंपियन है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन्होंने पिछले साल जो डोरे डाले थे वो इतने मजबूत है कि अब तक काम दे रहे, टूटने का नाम ही नहीं लेते। देख लीजिए खाला जान। मम्मी मैंने यही तो कहा है कि इन्होंने मेरे लिहाफ में जो डोरे डाले थे वो। अरे बस रहने दो ये चालाकियां, मैं सब समझती हूँ। देख लिया, मम्मी सब समझती हैं और ये तो अभी हमें चाय भी पिलाएंगी। तू चुप कर, ये क्यों नहीं कहता कि तेरा जी कर रहा चाय पीने को। बेटी मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं खाला जान, रहने दीजिए ना। ओ टोकती क्यों हो? एक काम करे कोई तो उसे रोकना नहीं चाहिए। मैं आप जाइए। सवेरे कैसे आना हुआ? मैं तो किताब लेने आई थी। और बैठ गई डोरे डालने। चुप के बैठे रहो वरना स्विच भो दूंगी। ले चुप हो। अरे क्या हो गया? खाले जान इनको। नहीं नहीं इनको सुई चुप गई। दिखाओ मुझे। ज्यादा नहीं चुपी खाले जान। बस मामूली सा खून निकला है। खून जी? अरे नहीं खाला जान, ये तो मजाक कर रहे हैं। देखिएगा खून तो बाहर डरा दिया था मुझे तो। हद है भाई तुम दोनों से। हाँ अपने कॉल पर जान दे देना। जी हमारे खानदान की रवायत है, हमारे दादा खैरुद्दीन ने। नूरुद्दीन चचा जान। अरे एक ही बात है, हमारे दादा जहूरुद्दीन का तो इंतकाल ही कॉल देने पर हुआ था। वैसे वो इससे पहले भी कई बार कॉल पर जान दे चुके थे। लिखा जी चचा जान जी। अच्छा तो हाँ, हमारे दादा नवाब फखरुद्दीन ने जंगे अजीम में दुश्मन के 1500 आदमी एक ही हमले में मार दिए थे। जर्मन इतने परेशान हुए कि फौज में मलादी कर दी कि भाई इस शख्स के सामने मत जाया करो, खानदानी आदमी है, रोजाना 200-250 आदमी मार देना तो कोई बात ही नहीं है। चुनाचे क्या लिखा? 1500 आदमी एक ही हमले में मार दिए थे। अरे क्या गजब किया, अभी तक वहीं अटकी हुई हो? अरे इतनी देर में तो दादा जान 200-400 आदमी और मार देते। भाई जान, भाई जान। बिल्कुल नहीं, इस वक्त हम न किसी के भाई हैं और न ही कोई हमारी बहन। देखती नहीं हो हम खानदान की तारीख दिखवा रहे हैं। और आपकी लाडली बेटी खानदान को बदनाम करने पर तुली हुई है। कौन? निगाह। अरे अरे एक ही बात है, क्या कर दिया है सिफत ने? अभी तक तो कुछ नहीं किया। हाँ अगर आपने इसी तरह छुट्टी दिए रखी तो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। है क्यों नहीं करेगी, किस खानदान की बेटी है? हमारे खानदान के लोगों ने तो बड़े बड़े कारनामे किए हैं। तारीख पढ़ो तारीख। अब देखिए ना भाई जान, वो सुबह से गई हुई है। अब मैं कुछ कहूंगी तो वो नाराज होगी। प्लीज प्लीज भाई जान उसे समझाइए। नसरीन। नानी जगा जान। देखो बेटी इस वक्त तुम जाओ, बाकी के सिपाही हम खाने के बाद मारेंगे। देखो तो बैठा तुम क्या कर रही थी, तलत कहाँ गई है? क्या है? छुट्टी के दिन में भी तुम्हारा दिल घर में नहीं लगता, जब देखो मुंह उठाया चली आती हो। अम्मी क्या सोचती होंगी इसकी? पप्पी अम्मा भी यही कहती है, अगर पाबंदी लग गई ना तो कॉलेज खुलने पर ही सुन। अच्छा तो क्या तुम मेरी याद करोगे? और क्या, देखो ना तुम जब भी आती हो कोई ना कोई हमारा काम ही कर जाती हो। अच्छा तो काम के लिए याद करोगे मुझे? नौकर समझते हो मुझे, मैं जा रही हूँ, अब नहीं आऊंगी। बात तो सुनो, अम्मी का तो इंतजार कर लो, यहीं पप्पू डब्बू को पढ़ाने गई है, अभी आती होंगी। तुम ही करो इंतजार। जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना, ओ जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना, तब से मुश्किल हो गया दिल का संभालना। जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना, Thank you.
नगीने में हो तेरी आँखों में, हाय हाय ये डोरे हैं या रंग भरा है नगीने में, पलकों की सुइयां नाजुक हैं, कहीं टूट न जाए सीने में, मुश्किल है इन सुइयों का दिल से निकालना, जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना, वो जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना। सिंह है ये नहीं समझे कोई ठंडी आहें भरता है, वो अधिकम सिंह है ये नहीं समझे कोई ठंडी आहें भरता है, बेपरवाह ये बिना जाने कोई जीता है या मरता है, दाएं बाएं कुछ भी देखना ना भालना, जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना, वो जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना। हमराही मुझे चुन लीजिए, तन्हाई से कब तक खेलेंगे, हो अपना हमराही हाय मुझे चुन लीजिए, तन्हाई से कब तक खेलेंगे, दिल तो ये तुम्हें देना है, अगर आज नहीं तो कल देंगे, आज के काम को कल पे न टालना, जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना, ओ जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना, तब से मुश्किल हो गया दिल का संभालना, जब से एक लड़की ने सीखा डोरे डालना। मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। शुक्रिया, मुझे कोई जरूरत नहीं, लड़कियों को अकेले नहीं घूमना चाहिए। बेकार बातें मत करो, जल्दी से टैक्सी चलाओ। अरे सुनो तो, ए, मत करो, कोई मेरा पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा है? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या था? कहाँ गई वो? कौन कहाँ गई? वो जो अभी टैक्सी में बैठी थी, आप तो नहीं देख रहे। तुम उसका पीछा क्यों कर रहे थे? पीछा मैं कर रहा था या आप कर रहे हैं? मैं तुमको शूट कर दूंगा। क्या बात है जनाब? आप है चुप रहिए जनाब, आप पीछे इसके बात कीजिए, मैं ये मेरा खानदानी मामला, मैं उसे गोली मार दूंगा। अच्छा? हाँ। देख लीजिए जनाब, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं और वो भी आपके सामने। कत्ल की धमकियां नहीं, मैं सचमुच कत्ल कर दूंगा। बात सुनिए, आ जानते हो मैं कौन हूँ? कौन है था करता? अरे छोड़ो मुझे, मुझे हाथापाई का मजाक नहीं पता, तो पता है मैं किस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ? यार एक पढ़िए तुम, मुझे मिलना था, मुझे मिलना था जी। क्या कहा आपने? हमारा भांजा और हवालात में ये कैसे हो सकता है? आपने तारीख पढ़ी है हमारे खानदान की जी? उसका जुर्म क्या है? वो सड़क पर दंगा फसाद कर रहे थे और कत्ल की धमकियां दे रहे थे। कत्ल की धमकियां दे रहा था? मैं धमकियां? बुज़दिल कहीं का नामाकूल, मैं उसकी जमानत कराऊं? नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं उन्हें अंदर कर दूंगा तो आप शिकायत ना कीजिएगा। क्या हुआ भाईजान? तुम्हारा बेटा हवालात पहुंच गया है, कत्ल की धमकियां दे रहा था। हाय मैं मर गई। हेलो इंस्पेक्टर साहब। आप कौन है? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ जी। जी नहीं, वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आदमी तो क्या, वो एक मेंढक भी नहीं मार सकता। जी जी जी, थैंक यू, हम अभी उसकी आखिरी जमानत करा लेंगे।
जी हाँ। बेहतर है बेगम साहबा। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। अरे हाँ क्या मैंने उसे हवाला करवाया। लेकिन इफ्फी को खुद मैंने अपनी आंखों से देखा है मामू जान। किसी और को देखा होगा। अब्बा जान भला बताइए मुझे टैक्सी में बैठने की क्या जरूरत है, मैं तो नौरीन के साथ कमरे में बैठी थी। ये नौरीन? जी हाँ चाचा जान, ये तो मेरे साथ थी। यही तो मैं भी कह रहा था, मगर हुकूमत कह रहा था कि यही थी। कौन हुकूमत? इनका मतलब है शौकत। अरे एक ही बात है। तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है शौकत, ऐनक लगाया करो। कहीं तुम किसी और लड़की का पीछा तो नहीं कर रहे थे? पकड़े गए तो छट से मेरा नाम ले दिया। क्यों जी, तुम्हारी आवाज इस कदर बढ़ गई है क्या? लेकिन मामू जान खुदा पाक की कसम मैं तो इसी समझ कर इनके पीछे। क्या मतलब है, तुम्हारी नजरों ने धोखा खाया? शायद मैं ही पागल हूँ। ये शायद का इस्तेमाल तुमने गैर जरूरी किया मिया। देखो बरकत, तुम कहीं चरस वाला तो नहीं पी गए हिप्पियों की तरह? चरस जी? आइंदा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं बिल्कुल ठीक है आग कर दूंगा। नालायक ना माकूल मर्दू हिप्पी बन गया है। अरे खानदान का तुमने नाम डबो दिया है। अरे पता भी है तुम्हें किस खानदान से ताल्लुक रखते हो? तारीख पढ़ो तारीख। लेकिन मामू जान मैंने। चुप रहो, नालायक चरस पीता है बस। आज से तुम्हारा जेब खर्च बंद, हुक्का पानी बंद, आना जाना बंद। मेरा बागवानी का वक्त हो गया है, वरना मैं तुम्हें अभी और डांटता। क्या ओ शौकत बेटे, तुमने इसी पर इल्जाम लगाया कि पहले कुछ सोच तो लिया। मम्मी अब देख लीजिए, मुंह छुपा छुपा कर हंस रही है आपके सामने। हंसने की तो बात है। नहीं बेटी, मातम करो इसकी अकल नहीं आप काम कर। शौकत सच से बताओ, किस लड़की का पीछा कर रहे थे? आज मैं पीछा ही कर रहा होता उस तो गया होता। ये क्या बदतमीजी है, कोई और सुन लेता तो। इफ्फी मुझे माफ कर दो, कल मुझसे मिलने आओगी ना? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने मेरी बेइज्जती की है। इफ्फी अच्छा मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा तो इफ्फी अगर तुम मेरे घर नहीं आई ना तो मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगा। अरे खुदा के लिए ऐसा मत करना। हेलो हेलो, क्या होगा? हेलो हेलो इफ्फी, गुड मॉर्निंग। अनवर तुम इतनी रात गए क्यों जगा मुझे? इफ्फी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पता भी है क्या वजह है? हाँ पौने दो बजने वाले। सुनो इफ्फी, तुम अब तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? अनवर इसी जरूरी बात के लिए तुमने मुझे आधी रात को जगा दिया। इफ्फी तुम नहीं जानती मेरे लिए कितनी जरूरी बात है। बोलो अब तो तुम मेरे घर आओगी ना? बिल्कुल नहीं, बस अब मुझे सोने दो प्लीज। अनवर सोने दो ना, अल्लाह क्यों तंग करते हो? जब तक तुम आने का वादा नहीं करोगी मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। इतना तो ठहरे दो, सवेरा होने दो, अल्लाह सोने दो, सोने दो, ये रात के हो गए पौने दो, पर सोने दो। करूं अल्लाह सोने दो, सोने दो, कि रात के हो गए पौने दो, पर सोने दो। तुम
कभी नहीं अल्लाह सोने दो सोने दो ये रात के हो गए पौने दो पर सोने दो बाबा तो जाओ सो जाओ। हमारा क्या है, हम सारी रात अपनी आंखों में काट लेंगे। कोठी यही? क्या बात है? वो उनकी बेटी को जानते हो? हाल बिला अकबर, क्या नाम है खुद सवाल? ये खत उनकी बेटी को दे देना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। और ये रहा तुम्हारा इनाम। इनाम है? ये कैसा इनाम? माफी चाहता हूँ, मुलाकात बहुत जरूरी है, अगर कोई वक्त ना दिया तो खुद ही आ जाऊंगा। अनवर आए काट चला गया ना वाकून बाजी गोली मार दूंगा, कत्लेआम कर दूंगा। खालिदा खालिदा हामिदा आमिदा, अरे कहां हो तुम? कैसे हो प्यारे भाईजान? क्या हुआ? गुस्ता दादा, बगैर हमारी इजाजत के हमारी बेटी को खत लिखा और पहुंचाने के लिए भी हमी को दिया कमबख्त ने, और पांच रुपए रिश्वत, सिर्फ पांच रुपए। अरे उसने हमारी गलत को ललकारा है, उसने हमारी गलत को ललकारा है। कहा है हमारी खानदानी बंदूक के तलवारें, उसने हमारी तारीख नहीं पढ़ी शायद। ओ भाई जान, मतलब वो है कौन? अरे हमारी बंदूक से निकलने वाली गोली किसी का नाम नहीं जानती, उसे गोली मारना निहायत जरूरी है। ठंडे दिल से भाईजान, ठंडे दिल से सोचिए। किसे सोच का मशवरा दे रही हो, जिसके दादा ने जंगे अजीम में 5,000 जर्मनी हलाक किए थे, और जिसके परदादा ने नादर शाह की फौजों को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया था, और जिसके जद्दे अमजद ने पानीपत के मैदान में मछलियां पकड़ा करते। अरे तारीख पढ़ो तारीख। इधर कौन है? मरहूम? कौन मरहूम? बस समझ लो, हमने उसे कत्ल कर दिया, ये मर गया, मगर वो है कौन? अब्बाजान नाराज ना हो, ये तो मेरा क्लास फेलो है अनवर। अरे अनवर हो जा अख्तर, इसका क्या मतलब? अब्बाजान दरअसल वो आपसे मिलना चाहता है, उसने मुझे कई बार कहा कि मुझे नवाब साहब से मिला दो। किस लिए? वो तारीख का बहुत शौकीन है अब्बाजान, और जब से मैंने उसे बताया है ना कि आप खानदान की तारीख लिख रहे हैं, वो आपसे मिलने पर बहुत जोर दे रहा है। मैंने तो उसे कई बार कहा भी कि नवाब साहब बहुत मसरूफ हैं, मगर वो कहता है कि मैं आपसे जरूर मिलूंगा। अरे तो वो हमसे मिला क्यों नहीं, और ये 5 रुपए किस खुशी में दे गया? 5 रुपए नजराना अब्बाजान?
नजराना? हाँ अब्बा जान, पुराने वक्तों में नवाबों को नजराना ही दिया करते थे ना। अरे बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही समझदार मालूम होता है ये लड़का अफजल। अनवर अब्बा जान। अरे अनवर हो जा आजकल, बुला उसे, हम उसे जरूर मिलेंगे और अपनी तारीख भी सुनाएंगे। अभी बुलाती हूँ। जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मिया तारीख पढ़ो तारीख, हमारे खानदान में एक से एक जरी और एक से एक बहादुर पड़ा हुआ है। तारीख के सफहात भरे पड़े हैं हमारे बुजुर्गों के कारनामों से। अरे बुजुर्गों को और को छोड़ो, अरे हम ही को देखो, दूसरी जंगे अजीम में हमने तने तनहा पूरे दुश्मन का ब्रिगेड साफ कर दिया था। मेरा मतलब है एक पलाटून। और जब गिनती की तो पता चला कि एक बटालियन थी। देखो भाई, अब तुम जो चाहे कुछ कर लो, ये तादाद कम नहीं होगी। हाँ तो असगर मियां जी। अनवर, एक ही बात है, मैं ये कह रहा था कि दुनिया में अगर तरक्की करनी है तो बस तारीख पढ़ो तारीख। बहुत मना। अरे आओ मियां, क्या नाम है तुम्हारा? हमने अपने खानदान की तारीख सुना रहे थे। एक मिनट जरा। क्या बात है, इस तरह देख रहे हो? पहले कोई आदमी नहीं देखा? जी नहीं मामू जान, ये बात नहीं है। तुम वही हो ना जिससे मेरा उस दिन झगड़ा हुआ था? झगड़ा? हाँ। मुझसे? हाँ। कहाँ, किस दिन भाई? जिस दिन तुम इसी को, मेरा मतलब है किसी लड़की को टैक्सी में भगा कर ले जा रहे थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया इस वक्त? लड़की को भगा कर ले जा रहा था मैं? क्या बात है भाई, आपने कहीं भंग तो नहीं पी रखी है? नहीं नहीं। नालायक खते, पहले चरस पीनी थी, अब भंग पीना शुरू कर दिया है। तबाह हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना गोली मार दूंगा। ये मेरे फूफीजाद भाई हैं, शौकत। अच्छा, बड़ी खुशी हुई इनसे मिलकर। वैसे क्या ये भंग? लाहौल वाला कुवत, भंग और चरस हमारे घर में। ये मियां, तुम बादल घड़ी क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, वो मुझे अपने एक दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट जाना था। हाँ तो मेरा ख्याल है कि हमारा वक्त भी हो गया है तारीख लिखने का। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा। अफसर मियां? नहीं जी अनवर। और एक ही बात है, एक ही बात है, वक्त निकाल कर तारीख सुनने आ जाया करो। हाँ आया करूँगा। कहिए जनाब, पता चला कुछ तारीख का? आपके अब्बा जान ने तो एक ही दिन में पूरी की पूरी तारीख खोल कर पिला दी। इफी, तुम्हें अच्छी तरह यकीन है कि ये वो लड़का नहीं जिससे मेरा झगड़ा हुआ था उस दिन? बिल्कुल नहीं, ये तो कल ही पिंडी से आए हैं। क्यों जी? और क्या, मैं तो कल ही पिंडी से आया हूँ। शायद मेरा ही दिमाग खराब हो गया फिर। और क्या मिस्टर, एक बात बताते जाइए, ये बाय द वे भांग और चरस मिलती कहाँ से? मेरा ख्याल है मैं थोड़ी सी पीना लूँ। थोड़ी सी नहीं, बहुत सी पीना। और हमें उसका मजा भी बताना। भाई यार, ये भी कोई बात हुई? जिस खेल में आ रहे हो उसे खेलना ही छोड़ दिया। आज जब वकार का सवाल आ जाए तो फिर मैं छोड़ो यार, रहने दो, तुम तो हर बात को वकार का सवाल बना लेते हो। देखो ना, मैं तो डरता ही हूँ तुमसे, न जाने तुम कब किस बात को वकार का सवाल बनाओ और मुझसे भी खफा हो जाओ। तुम्हारी बात और अनवर, एक ही तो दोस्त है जिसकी मैं नाज बर्दारी करता हूँ। ओहो ले बेटा, अरे नहीं, पहले तू खीर खा। हाँ हलाजन, मैं तो पहले खीर खाऊंगा भाई। मैं भी खाऊंगा फिर। लो खाओ मरो। देखो मैं, तुम्हारे यहाँ आने का ये फायदा जरूर होता है कि तुम्हारे तो पहले हमें भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। चुप कर हलाजन, वैसे बहुत मजे किए खीर। अरे बेटा खा और खा। ना जाने क्या बात है, मैं जब भी आपके घर आता हूँ ना तो मुझे मेरी अम्मी याद आ जाती हैं। कैसी है तुम्हारी अम्मी? पता नहीं, शायद आप ही जैसी हूँ। क्या मतलब, कहाँ है वो? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उन्हें देखने की हसरत ही रही है। ये तो कुदरत के खेल है बेटा, किसी बेटे को माँ के देखने की हसरत है और
कोई माँ बेटे के लिए तरसती। आपको देखता हूँ तो वो बहुत याद आती है। बेटा मैं भी तो तेरी माँ की तरह हूँ। जब तक आपको नहीं देखा था मुझे नहीं मालूम था कि माएं कैसी होती हैं। शायद सारी माएं एक ही जैसी होती हैं। हाँ, और शायद सारे बेटे भी एक ही जैसे होते हैं। तेरी मम्मी का दिल बहुत नरम है कामरान। चलो तुम खीर तो खाओ। खाओ ना तुम खाओ ना। लो खाओ। हेलो इफी, क्या हाल है इफी? हाँ कामरान, इफी ये कामरान है, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। हेलो। और कामरान ये इफी हैं, मुल्तान में मेरे साथ पढ़ा करती थी, अब मेरे साथ यहाँ कॉलेज में दाखिला ले रही हैं। गुड, ये तो बड़ी खुशी की बात है। वैसे इफी ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन एक बात है, बहुत से खेलों ने नाराज होकर छोड़ दिए। किससे? खेलों से। मैं समझी नहीं। भाई देखो ना, एक दफा बैडमिंटन का मैच हारे तो सारे रैकेट तोड़ दिए, फुटबॉल में हारे तो फुटबॉल पंक्चर कर। क्या सर? ये हमारी खानदानी आदत है। और हाँ, इफी जिससे हार जाते हैं ना उससे बातें करना भी छोड़ देते हैं। एक दफा घोड़दौड़ में हारे तो बेचारे घोड़े से बातें करनी छोड़ दी। बैठो इनसे दोस्ती रखनी है तो इनके साथ कोई खेल ना खेलना, और अगर खेलना तो जीतने की कोशिश ना करना। मेरी दोस्ती भी इसीलिए कायम है आज तक। लेकिन यार इनसे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। ये लोग इसी महीने यहाँ आए। ऐसे? अरे इफी तू कब आई बेटी? आदाब खालाजान। जीती रहो। बैठो बैठो। माफ कीजिए खालाजान, मैं जरा जल्दी में हूँ, अनवर को लेने आई थी, हमारा एक प्रोग्राम है। अरे अनवर को तो मैं भी लेने आया हूँ। मगर हमने तो कल से प्रोग्राम बनाया। मैं कुछ नहीं जानता, मैं आज ही आया हूँ और अनवर मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, ये मेरे वकार का सवाल है। मारे गए यार, यहाँ तो वकार का सवाल पैदा हो गया। अनवर तुम चलोगे ना मेरे साथ? मेरा ख्याल है इतनी कहीं जाने की जरूरत ही क्या है, यहीं बैठ के बातें करते हैं और चाय भी पीते हैं। मगर अब तो कामरान साहब के वकार का सवाल पैदा हो गया है, तुम इन्हीं के साथ चले जाओ। ये हुई ना बात, आप तो खामखा इज्जत कर रहे थे। ठीक है अनवर, तुम इन्हीं के साथ जाओ। ओके। कामरान बेटे, अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो तुम लोग भी कामरान के साथ ही चले जाओ, इसका भी दिल रह जाएगा। हाँ ये ठीक है अपनी, आज कामरान की तरफ से हमारी चाय की दावत, मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, क्यों ठीक है? आप सब कहते हैं तो ठीक ही होगा। Come on, let's move. आओ। ये है हमारे अब्बा हुजूर। आपके वाले? जी नहीं, हमारे दादा। बहुत शानदार आदमी है। खानदानी नवाब है। ठीक है भाई, आप खानदानी नवाब, ये खानदानी नवाबजादी, तो फिर हम क्या हैं? तुम हमारे दरबारी हो। और दरबारियों का काम होता है नवाबों का दिल बहलाना। अच्छा? और तुम हमारा दिल बहलाओगे। कैसे? नाचो गाओ, हमारी तरफ से इजाजत है। मिस्टर, आजकल जमाना बदल गया है, अब तुम दोनों इस दरबारी का दिल बहलाओ। इस गुस्ताख को क्या सजा दी जाए? आप इसे कोई गाना सुना दीजिए, इसके लिए यही सजा काफी है। हाँ, इसे पता है, वसूफ को म्यूजिक का काफी शौक है। कामरान सुना दो ना यार। अरे इफी ने पहली बार तो फरमाइश की है। इनकी पहली फरमाइश मैं नहीं टाल सकता। प्यार करने का इरादा है, खुदा खैर करे। प्यार करने का
क्या खैर करे, दिल में कुछ दर्द ज्यादा है, खुदा खैर करे। प्यार करने का इरादा है, खुदा खैर करे। जाने को जी चाहता है, राह मुश्किल है ये सादा है, खुदा खैर करे। प्यार करने का इरादा है, खुदा खैर करे। उन्हें इस दिल में समाना होगा, उनके धड़कन उन्हें इस दिल में समाना होगा। जान जाए के रहे वादा निभाना होगा, दिल उस ताक का वादा है, खुदा खैर करे। प्यार करने Thank you.
लड़का बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। क्या नाम बताया था उसका? कामरान मामूजान। हाँ हाँ, लुकमान, लुकमान अच्छा खिलाड़ी। लुकमान नहीं मामूजान, कामरान। एक ही बात है। वैसे देखा जाए तो इफ्फी का जो कॉलेज है ना, उसी की वजह से जीत गया। खुदा पाक की कसम, क्या बाउंड्रिया लगाए उसने मामूजान, है ना? अरे उसने क्या बाउंड्रिया लगाई, बाउंड्रिया तो हम लगाया करते थे। मगर अफसोस है कि तुमने हमें क्रिकेट खेलते ही नहीं देखा। तुम्हारी पैदाइश से पहले की बात है, एक एक गेंद पर मियां दो दो बाउंड्रिया लगाया करते थे। तारीख पढ़ो तारीख। वैसे ये बाउंड्री भी आपने अच्छी लगाई है मामूजान। क्या मतलब? मतलब ये कि मामूजान बाउंड्रिया लगाना तो कोई आपसे सीखे। देखो इशरत, इशरत मामूजान। एक ही बात है, एक ही बात है। ये गफरान लड़का काफी समझदार मालूम होता है। जी जी, किसी रोज बुलाओ ना इसे, हम इसे अपनी तारीख सुनाएंगे। जी अच्छा मामा जान, इफ्फी से कहूंगा मैं। ओ भाई जान, अब देख लीजिए, सुबह से इफ्फी का कुछ पता नहीं है। अरे क्यों पता नहीं है भाई, उसके कॉलेज में मैच जीता है, है? सब लड़कियां मुझे मिला रही होंगी। दूंगी साजना पर आजे ना, आजे ना, ना आजे ना, आजे ना। दुल्हन तेरी मैं बनूंगी साजना पर आजे ना, आजे ना, हाँ आजे ना, आजे ना।
बताइए ना मम्मी, ये किसके कपड़े जिन्हें देखकर आप रो रही हैं? ये तेरे भाई की निशानी है बेटा। मेरा भाई? हाँ बेटा, तेरा एक भाई भी था। तो आप कहाँ हैं? मम्मी आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताइए ना कहाँ है मेरा भाई? वो मुझसे छीन गया। क्या मर गया मम्मी? खुदा ना करे। तो फिर कहाँ है वो? वो गुम हो गया। तेरी पैदाइश से पहले की बात है बेटा, इस जमाने ने उसे मुझसे छीन लिया। खुदा जाने किस हाल में होगा। मम्मी इतने साल बीत गए, आप उसे अभी तक नहीं भूली? कैसे भूल जाऊं, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। माँ हूँ उसकी। तो आप सिर्फ घर देखने आए हैं? नहीं, घरवाली को भी देखना था। वैसे आपने तो हमें कभी नहीं बुलाया, हम बिन गुमान बनकर चले आए हैं, आपने माइंड तो नहीं किया? अब्बा जान, ये मेरे अब्बा जान हैं। आदाब सर। आदाब, इन्हें हमने पहले कभी देखा है? अब्बा जान ये कामरान है, हमारे कॉलेज के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। अच्छा अच्छा, क्रिकेट के खिलाड़ी इरफान। कामरान अब्बा जान। एक ही बात है, अरे मियां जाफरान, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आपकी क्रिकेट की तारीफें बहुत सुनी थी हमने। शुक्रिया। अरे भाई बैठो बैठो, मेजबान बेटी, अरे इनके लिए कुछ चाय कॉफी लाओ। जी अब्बा। हाँ तो क्या नाम बताया था मियां? लुकमान जी। कामरान। अच्छा अच्छा अच्छा, तो खाकान, मैं ये कह रहा था कि क्रिकेट हमने भी खेली है। आजकल क्या क्रिकेट रह गया है भाई, खेल तो हमारे जमाने में था, क्या नवाबी दौर था। एक मुलाजिम हमारी तरफ से बॉलिंग कर रहा है तो दूसरा बैटिंग कर रहा है और बाकी तमाम फील्डिंग पर लगे हुए हैं और हम आराम कुर्सी पर नीम दराज क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ भाई, सुना है कि आजकल तो बड़े बड़े नवाबों को खुद ही खेलना पड़ता है। क्या इनकलाब आ गया है, क्या इनकलाब आ गया। हामिया, तारीख का पता है? जी 28 तारीख है। अरे नहीं मियां, तारीख जिसे हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री। अच्छा अच्छा जी, पढ़ी है मैंने, पढ़ी है। है? कहां पढ़ी है? अरे तारीख तो अभी लिखी ही नहीं गई जी। और तारीख तो अब हम लिखेंगे अपने खानदान की। नादिर शाह ने हमला किया तो हमारे जद्दे अमजद ने तने तनहा 1300 दुश्मन मौत के घाट उतार दिए थे। तारीख पढ़ो तारीख। जी जी जी। हाँ भाई गफरान। चाचा जान। अरे भाई ये क्या काफिये मिलाने शुरू कर दिए तुम लोगों ने? तारीख लिखवाने का वक्त हो गया है। ओहो, बहुत ही बेवक्त वक्त हुआ है, मगर क्या करे, तारीख का मामला है। अच्छा भाई नामान, तुम किसी दिन जरूर आना, हम तुम्हें खाना भी खिलाएंगे और तारीख भी पढ़वाएंगे। बहुत अच्छा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तारीख। हाँ हाँ जी, तो कितने चम्मच चीनी? दो। इफी, दरअसल हम तुम्हें खुदा हाफिज़ कहने आए थे। क्यों, कहीं जा रहे हैं आप? एक हफ्ते की छुट्टी ना, इसलिए हम घर जा रहे हैं। ओह, मैं समझी किसी लंबे सफर पर जा रहे हैं। लंबे सफर पर भी चले जाएंगे, आप साथ चलेंगे? आप भी खूब हैं, सफर शुरू किया नहीं
और हम सफर की तलाश पहले ही शुरू कर दी। लेकिन सफर के लिए तैयारी तो पहले ही शुरू करनी पड़ती है। आप सफर तो शुरू करें, हम सफर भी मिल जाएगा। दूध कम। अस्सलाम वालेकुम। तूने तो मुझे डरा ही दिया। बिल्कुल अनवर वाली आदत है तेरी। खालाजान अनवर है कहाँ? अरे वो तो बाहर गया हुआ है बेटा। अच्छा खालाजान मैं जरा जल्दी में हूँ, अनवर आए ना तो उससे कहिएगा कि मैं चंद रोज की छुट्टियाँ गुजारने अपने घर जा रहा हूँ। अरे ऐसी भी क्या चलती है बेटा, चाय तो एक प्याली पी ले। नहीं खालाजान, क्यों तकलीफ कर रही है? बच्चों का काम करके तकलीफ नहीं खुशी होती है बेटा, और तू भी तो मेरे अनवर ही की तरह है। हाँ मैं तुझे चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। और हाँ साथ में थोड़ी सी खीर भी, ताकि आपको ज्यादा खुशी हो। अच्छा बाबा बना देती हूँ खीर भी। अच्छा फिर रहने दीजिए, खाली चाय पिला दीजिए। अच्छा ये क्या सी रही है? क्या बताएं अनवर भाई, हम तो खानदानी लोग हैं, तारीफ तो पड़ी होगी आपने। हर वक्त खानदानी प्रॉब्लम्स में उलझे रहते हैं हम लोग। क्या प्रॉब्लम हो गई आपके साथ? बता दो। बता दो। दरअसल अम्मी ये चाहती हैं कि मेरी शादी इफ्फी से हो जाए, और मामू जान ने अपने दोस्त को ये कॉल दे रखा है कि इफ्फी की शादी उनके बेटे से होगी, और ऊपर से मैं ये चाहता हूँ कि मेरी शादी नौरीन से हो जाए, मगर अम्मी को पसंद नहीं है। खुदा पाक की कसम हमको तो गर्दिश हालात पे रोना आया, रोने वाले तुझे किस बात पे रोना आया। तुम किस सोच में पड़ गए अनवर? नहीं कुछ भी नहीं। तुम अब खुद ही बताओ यार, अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो और तुम्हारी शादी उससे ना हो तो तुम क्या करोगे? माफ करना मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। इसी को तो आने दो। अनवर अनवर अरे अनवर बहुत रात हो गई है, तू खाना तो खा ले। मेरा दिल नहीं चाह रहा है अम्मी। अच्छा अच्छा मैं तेरे लिए दूध ले आती हूँ। बताइए ना अंकल, आप अब्बा हुजूर से बात करेंगे ना? देखिए कहीं ऐसा ना हो कि मेरी छुट्टियां खत्म हो जाए और आप कुछ भी ना करें। भाई करेंगे करेंगे, कामरान मियां वादा जो कर लिया है बात जरूर करेंगे। अब्बा हुजूर आ गए। आदाब चचा हुजूर। तस्लीम अब्बा जान। बैठो बैठो अख्तर मियां, तुम इस वक्त कैसे? भाई मरीजों से जल्दी फुर्सत मिल गई। जी हाँ कुछ चचा हुजूर, कामरान मियां की तालीम खत्म होने वाली है, अब इनकी शादी हो जाना चाहिए। अरे भाई तो इसमें सिफारिश की क्या जरूरत है, बस इनकी एक फरमाइश है। इसकी कोई फरमाइश हमने कभी टाली है? कहो बरखुरदार क्या चाहते हो? जी अब्बा हुजूर मैं तो अंकल। जी हाँ चचा हुजूर, इन्होंने रिश्ता भी अपने लिए ढूंढ लिया है। रिश्ता? जी 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 हाँ अब्बा हुजूर। कौन लोग हैं बेटे, खानदान कैसा है? बहुत आला खानदानी नवाब है अब्बा हुजूर, आप उनसे मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। क्यों अंकल? जी भाई तुम्हारी ख्वाहिश है तो हम उनसे जरूर मिलेंगे बेटे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया बाबू। पगला कहीं का। आखिर खानदान किसका है? बजा फरमाया। एकदम क्यों चले आए, मेरा इंतजार भी नहीं किया? जब इंतजार करने का कोई मतलब ना हो तो इंतजार करना फजूल है। फी क्या हुआ है जनाब को, मुझे नाराज हो क्या? आखिर पता भी तो चले, मुंह क्यों खुला हुआ है? इतनी अनजान मत बनो इफी, मैं गरीब जरूर हूं इफी लेकिन खिलौना नहीं हूं। अनवर यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? जब तुम ये जानती थी कि तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय हो चुका है तो तुमने मुझे डार्क में क्यों रखा है फी? मेरा रिश्ता? हाँ तुम जानती थी कि तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय हो चुका है। अनवर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? लेकिन तुम्हारे अब्बा जान का वादा? अब्बा जान को मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ,
उन्होंने 18 साल पहले अपने एक दोस्त से कॉल किया था जिसका नाम भी उन्हें याद नहीं और ना वो आज तक उनसे मिले। तो फिर मेरा ख्याल है कि अब्बा जान ने ये कहानी पुप्पी जान को टालने के लिए बनाई है। वो शौकत से मेरी शादी नहीं करना चाहता। हाँ अनवर, अनवर तुम्हें याद है जब हम मुल्तान में पहली मर्तबा मिले थे तो हमने एक फैसला किया था। यकीन जानो अनवर, मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक उस फैसले पर कायम हूँ। अनवर बाबूजी आप इत्मीनान से बैठे, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। ओहो कामरान साहब हैं। इतनी देर लगा दी, कुछ दिन पहले आ जाते तो मेरी सालगिरह में शरीक हो जाते। तो तुम्हें मेरा इंतजार था ना? जाहिर है। I'm sorry फी, दरअसल कुछ काम इतने ज्यादा थे जिसकी वजह से देर हो गई। ये लो अपनी सालगिरह का तोहफा। थैंक यू। ये तोहफा तो एक रिहर्सल है, असल तोहफा तो कुछ अरसे बाद मिलेगा। असल तोहफा? अब्बा हुजूर मान गए हैं। क्या मान गए हैं? अरे हम दोनों की शादी की बात। ईमान से भी मैं सच कह रहा हूँ, वो थोड़े दिन बाद आकर ना खुद तुम्हारे बजान से बात करेंगे। हाँ कामरान क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, तुमने मुझसे पूछ तो लिया होता। इफी क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। किसी और को पसंद करती हो? अच्छा मतलब बताओ तो सही वो कौन है? अनवर। इफी मेरा ख्याल था कि अनवर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। तो तुम उसे हमसे ज्यादा पसंद करती हो, उसे हम पर फौकियत दे रही हो, उसको, उस मामूली आदमी को? वो तुम्हारा बेहतरीन दोस्त है। हमें आज एहसास हुआ कि वो इस इज्जत के काबिल नहीं था और अब हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? वो छोटा का इंसान हमारी बराबरी करेगा। मैं उसके बारे में कोई ऐसी बात सुनना पसंद नहीं। तुमने भी हमारी तोहिन की है और हम इनकार सुनने के आदि नहीं है। कान खोल के सुन लो कि तुम्हें हमसे शादी करनी होगी चाहे कुछ हो। क्या हुआ इतनी? ये कामरान क्यों चला गया? सरकार चाय। ये जाओ से मैं नहीं पीऊंगा। कामरान चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। किस बात पर इतने खफा हो? मेरी बात तो सुन। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। कामरान मैं कहता हूं निकल जाओ। कामरान नहीं आया। मम्मी वो मुझसे नाराज हो गया है। तो क्या हुआ, तुम उसे जाकर मना लो। मैं तो गया था मम्मी, मगर वो कहता है वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। ऐसी क्या बात हो गई बेटा? वो मम्मी इफ्फी ने उससे शादी करने से इनकार जो कर दिया है। मम्मी दरअसल बात यह है कि मैं सब समझती हूँ। अगर तुम कामरान को पहले ही बता देते तो इस बात की नौबत ही ना आती। ऐसी बातें अपनों से नहीं छुपाते बेटा। गलती हो गई मम्मी, मैंने सोचा था कि वक्त आने पर आपको भी सब कुछ बता दूंगा, मगर अच्छा अच्छा ठीक है, मैं उसे जाकर मना लूंगी। सच मम्मी? वो मेरी बात नहीं टालेगा। मगर मम्मी उनको कौन मनाएगा? अरे वो कौन? वो मम्मी इफी के अब्बा जान को। तू फिक्र मत कर, मैं उनसे भी बात कर लूंगी। हा? अरे ये कौन आ गया? कौन है? अनवर मियां का मकान यही है। हाँ क्या बात? हाँ मैं अनवर की माँ
क्या बात है, कौन हो तुम? मैं कामरान में एक नौकर हूँ। मैं ये पूछने आया था कामरान में, यहाँ तो आए नहीं। नहीं जी, बेहतर। सरकार, आप अनवर मियाँ के खानदान से वाकिफ हैं? क्या मतलब? बुरा न माने तो एक बात कहूँ। कहो। अनवर मियाँ के वालदा, उनकी माँ वालदा। कुछ बोलो कभी। अनवर मियाँ के वालदा एक तवायफ की बेटी। क्या? इस बात का सबूत दे सकते हो? जी सरकार, उनकी माँ आफ्ताब बड़ी मशहूर तवायफ थी, उन्हें अपने आंखों से मैंने खुद देखा है मजाक करते हुए। हमारे दादा मरहूम एक एक गोली से दो दो शेर शिकार किया करते थे, तुमने तो देखा हुआ। ओ भाई जान, तो उसे पैदा भी नहीं हुई थी। वो तो मैं थी। अच्छा, तुम थी। बहरहाल शेर के नाम से दुश्मनी थी उनको, और बहुत से कमजोर दिल थे तो उनकी सूरत देखते ही फौत हो जाया करते थे। तारीख पढ़ो मियां, तारीख। आओ मियां ज़ाफ़रान, बहुत दिनों के बाद नजर आए। आओ बैठो बैठो। गुस्ताखी माफ नवाब साहब, आप इतने खानदानी नवाब होकर भी अपनी महफिल में ऐसे लोगों को बैठने की जगह देते हैं जिनके बराबर बैठना भी शरीफों की तौहीन है। कामरान। क्या मतलब? आपने अपने घर में एक ऐसे शख्स को आने की इजाजत दे रखी है जो एक तवायफ का बेटा है। कामरान, अदब से नाम लो हमारा। कामरान, ये क्या बदतमीजी? अगर हमारी बात का यकीन नहीं है तो खुद इससे पूछो कि इसका बाप कौन था और इसकी माँ किस खानदान से ताल्लुक है। जुबान संभाल कर बात कर। अगर मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो अच्छा नहीं होगा कामरान। माँ? कौन सी माँ? किसकी माँ? तवायफ किसी की बीवी होती है और ना ही किसी की माँ। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हरकत है? इसने मेरी बेइज्जती की है। अपनी छोटी इज्जत का मातम मत करो। जाओ जाकर ये सवाल अपनी माँ से पूछो कि तुम्हारा बाप कौन था और खुद उसकी असलियत क्या थी। इसके बाद भी अगर दुनिया का मुंह दिखाने के काबिल रहो तो उसका जवाब आकर हमें भी बता देना। जाओ। अगर वो घर पर नहीं तो मैं उसका इंतजार किए लेती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। ये तस्वीर किसकी है? ये छोटे सरकार के दादा हुजूर हैं। आप बैठिए। छोटे सरकार तो कामरान मेरा बेटा। कामरान मेरा बेटा। तुम यहाँ किसके इजाजत से आई हो? इस घर में तुम जैसी औरत का कदम रखना भी हम अपनी तौहीन समझते हैं। हमें तुम्हारी असलियत मालूम हो गई औरत, तुम और तुम्हारा बेटा शरीफों से मिलने के काबिल नहीं हो। मेरा बेटा? हाँ, तुम्हारा बेटा, जिसे तुमने आज तक नहीं बताया कि वो एक तमाम दादी का बेटा है। ऐसा मत कहो। जो आज हम कह रहे हैं वो कल सारी दुनिया कहेगी। तुम और तुम्हारा बेटा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। आज हमने उसे उसकी असलियत बता दी है। तुम ऐसा न कहो बेटे। हमें बेटा कहकर गाली मत दो बुढ़िया। अपनी और हमारी हैसियत का फर्क मत भूलो। गलती हमारी थी कि तुम जैसे घटिया लोगों को मुंह लगाने से पहले हमने तुम्हारी औकात मालूम नहीं की। जाओ, चली जाओ यहाँ से, और आइंदा इधर का रुख भी मत करना। हम तुम जैसे घटिया लोगों से मिलकर बदनाम होना पसंद नहीं करते। जाओ। Thank you.
मम्मी, कामरान ने आज भरी महफिल में मुझे गाली दी है मम्मी। उसने ठीक ही कहा है मम्मी, वो सच कहता है। तेरी माँ एक दवाई की बेटी। मम्मी। हाँ बेटा, मेरी माँ एक तवायफ थी, मगर वो खानदानी तवायफ नहीं थी। गुनाह की जिंदगी से बचने के लिए उसने एक बहुत बड़े नवाब से शादी कर ली थी, मगर मेरे बाप के मरते खानदान वालों ने धक्के दे के हम दोनों को हवेली से बाहर निकाल दिया। फिर मैं बड़ी हुई और एक बहुत बड़े नवाब ने मुझे अपनी बहू बनाया, मगर तुम्हारे बाप की आंखें बंद होते ही मुझे भी हवेली से बाहर निकाल दिया। मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लिया। तुम उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, वरना वो तुम्हें भी मुझसे छीन लेते। लेकिन मम्मी, आपने मुझे पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया? मैं डरती थी बेटा, डरती थी कहीं खानदानी वकार माँ बेटे के दरमियान दीवार ना बन जाए, कहीं उस बेटे की तरह तुम्हें भी मुझसे जुदा ना कर दे। मम्मी, तुम्हारी माँ तुम्हारी मुजरिम है बेटा, इसे जो चाहे सजा दो। आप क्या कह रही हैं मम्मी? दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मेरे लिए तो आप माँ है ना। मेरी जन्नत तो आपके कदमों के नीचे है मम्मी। ओ जी चाहे कहे, तू उसे कुछ मत कहना। मम्मी। हाँ बेटा, उसे कभी कुछ मत कहना, इसलिए कि वो तेरा बड़ा भाई है। मेरा भाई? हाँ, वही मुझ बदनसीब का बेटा और तेरा खोया हुआ भाई है। मेरा भाई। ये भी खूब रही। बल्कि बहुत खूब रही। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक नवाब के बेटे को ही कॉल दिया था। आपके बेटे का नाम क्या था? कलीम? जी नहीं, सलीम। एक ही बात है, करीम ही होगा। बचपन में आपके पोते का क्या नाम था? आसिफ। अब हम उसे कामरान कहते हैं। यही तो मैं कहता था। ठीक है, बचपन में वारिस ही तो उसका नाम था। अच्छा तो नवाब साहब, समझ लीजिए कि हमारी तरफ से बात पक्की हो गई। आप जब चाहें मंगनी की रस्म अदा कर लीजिए, हमारी तरफ से कोई पसंद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। पागल मत बोलो इफी, तुम्हारी मंगनी की बात तय हो चुकी है। और चाचा जान कहते हैं कि उन्होंने कामरान के बाप को ही कॉल दिया था। मैंने भी किसी को कॉल दिया है नौरीन, किसी से वादा किया है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था एप्पी, तुम्हारी मंगनी कहीं और तय हो चुकी है। ये क्या कहा तुमने? जो होना था हो चुका है एप्पी, हमें अपने बड़ों के आगे सर झुका देना चाहिए। अभी कुछ भी नहीं हुआ अनवर, वो न जाने अपने आप को क्या समझता है। अगर वो जिद्दी है तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मेरी शादी होगी तो तुम्हें से, वरना नहीं होगी। मैं मर जाऊंगी अनवर, मगर किसी और से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। सुना है नवाब साहब हीरों की अंगूठी लाए हैं मंगनी के लिए। मैं अंगूठी नहीं पहनूंगी, मगर इफी मैं जहर खा लूंगी, मगर अंगूठी नहीं पहनूंगी। हजरात, इस महफिल में हमें ये ऐलान करते हुए मसर्रत हो रही है कि हमारे बेटे कामरान की मंगनी। नवाब साहब, कामरान आपका बेटा नहीं, मेरा बेटा।
कौन हो तुम, क्या चाहती हो? मैं माँ हूँ और अपना बेटा वापस लेने आई हूँ। माँ की मर्जी के बगैर आप बेटे की मंगनी नहीं कर सकते। कौन बेटा, किसकी माँ है? तुम पागल तो नहीं हो? नवाज साहब, मैं हूँ इसकी माँ, ये मेरा बेटा है और मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जिस लड़के से आप अपनी बेटी की मंगनी कर रहे हैं वो एक तवायफ जादी का बेटा है। क्या बक रही हो गुस्ताख औरत? तुमने हमारे पोते पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगी। सजा तो आप पहले ही दे चुके हैं नवाब साहब। मैंने जो इल्जाम लगाया है उसका जिंदा सबूत मैं खुद आपके सामने मौजूद हूँ। गौर से देखिए और पहचानिए मुझे, मैं वही तवायफ जादी हूँ नवाब साहब जिसे बड़ी मिन्नतों से आप बहू बनाकर लाए थे और फिर बेटे के मरते ही मेरा बेटा मुझसे छीन कर मुझे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दिया था। आपके बख्शे हुए नासूर को मैं आज तक अपने सीने से लगाए रही। बेटे की बदनामी के डर से मैं कभी उसका नाम भी जुबान पर नहीं लाई। जहर का जो प्याला आपने मेरे होठों से लगाया था आज मैं उसमें से आपका हिस्सा देने आई हूँ नवाब साहब। गुस्ताख, बेअदब, जानती हो किससे मुखातिब हो? जानती हूँ एक खुद गर्द और समदिल इंसान से जिसके वादे कांच की तरह कमजोर और दिल पत्थर से ज्यादा सख्त है। आपको अपनी खानदानी आन पर बहुत नाज है नवाब साहब, मगर मैं पूछती हूँ आपका ये गुरूर उस वक्त कहाँ था जब आप मेरी माँ के दरवाजे पर अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आए थे और फिर अपना मतलब निकल जाने के बाद आपने सारे वादे भुला दिए। आपने मुझसे मेरा घर बार, इज्जत आबरू, औलाद सब कुछ छीन लिया और मैंने अपने बेटे की जिंदगी की खातिर उफ तक नहीं की। आपने जो जहर मुझे पिलाया था अब वो मेरे बेटे के खून में भी शामिल हो गया है। ये अपने ही भाई की खुशियों पर टाका डाल रहा है, अपने ही माँ की आबरू सरे बाजार लुटा रहा है इसलिए कि यह आपकी गोद में पलकर जवान हुआ है। इसके नजदीक इंसानियत और खून के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। दौलत और झूठी आन ने इसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, मगर मैं अब ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मैं एक भाई के हाथों दूसरे भाई की आरज़ू का खून हरगिज़ नहीं होने दूंगी। आज मैं सारी दुनिया को बताऊंगी कि अगर इफ्फी की शादी अनवर से सिर्फ इसलिए नहीं हो सकती कि वो एक तवायफ शादी का बेटा है तो कमरान का भी यही जुर्म है, ये भी उसी माँ का बेटा है, मेरा बेटा है। इस पागल औरत को धक्के देकर बाहर निकाल दो। नवाब साहब, एक दिन आपने मेरे मासूम बच्चे की जान लेने की धमकी देकर मुझे मजबूर कर दिया था, मगर आज आप मेरी जुबान बंद नहीं कर सकते। मैं आज एक मजबूर और बेसहारा औरत नहीं हूँ, दो जवान बेटों की माँ हूँ और मेरे बेटे के होते हुए कौन मुझे हाथ लगा सकता है? और तुम किस शान से गर्दन तान कर खड़े हो, किस बात पर नाज करते हो, अपनी दौलत और नवाबी पर या अपने बाजुओं की ताकत पर? तुम्हारे पास जो कुछ भी है मैंने दिया है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैंने अपना खून जिगर पिलाकर तुम्हें पाला है। लाओ मेरा दूध मुझे वापस दे दो जो खून बनकर तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है। लाओ मेरी बख्शी हुई जिंदगी मुझे वापस दे दो, फिर मैं देखूंगी तुम्हारे पास क्या बाकी रह जाता है। कामरान, इसकी बातों में मत आना। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। ये झूठ है। सच है। यकीन नहीं तो मेरी तरफ देखो बेटा, क्या मेरी बातों से तुम्हें माँ के दूध की खुशबू नहीं आती? इन हाथों को नहीं पहचानते जिन्होंने सहारा देकर तुम्हें खड़ा होना सिखाया? इस आवाज को भूल गए बेटा जिसने तुम्हें बोलना सिखाया? बोलो, क्या मुझे देखकर तुम्हारे दिल में कोई टीस नहीं उठी? क्या मेरे खून ने तुम्हारे रगों में अब भी जोश नहीं मारा? मेरी तरफ देखो तो बेटा, माँ की तरफ देखो। आज तुझे भरी महफिल में माँ का भरम रखना होगा, आज तुझे मेरे साथ चलना होगा। ये पागल हो गई है, न जाने क्या पक रही है।
अब तो मान जाइए चचा अफसोस, ये सच कह रही है। कामरान मियां, मैं इस बात की गवाही देता हूं, यही तुम्हारी माँ है। मेरी माँ? हाँ बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। ये झूठ है, फरेब है। मगर मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये मेरी माँ है, और आपके चेहरे चूड़ी की रंगत भी ये बता रही है कि यही मेरी माँ है। कामरान, अटर्नी छोटी चप्पा हुजूर, आप बाजी हार चुके। हम तुम्हारे बाप की वजह से मजबूर थे बेटे, और आज मैं अपनी माँ की वजह से मजबूर हूँ। कामरान, अम्मी जान, आप मुझे लेने आइए ना, मैं इस भरी महफिल में आपका मान रखूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। मेरा बेटा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कामरान? तुम इसकी खातिर हमें छोड़ दोगे, गंदगी के ढेर की खातिर? अगर ये गंदगी है तो मुझे रास आएगी, इसलिए कि मैं इसी गंदगी में पैदा हुआ था। अम्मी जान, मैं आपका मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा न कहो बेटे, ऐसा न कहो। मैं आपके साथ चलूंगा। कामरान, अगर तुम इस औरत के साथ गए तो हम तुम्हें अपनी जायदाद से आफ कर देंगे। ये औरत मेरी माँ है नपा साहब, और माँ की खातिर मैं दौलत और जायदाद तो क्या पूरी दुनिया का भी छोड़ सकता हूँ। चलिए मैं ये हमारी इज्जत का सवाल है बेटे, ये हमारी तौहीन है। कामरान रुक जाओ, रुक जाओ कामरान, मेरे बेटे ना जा मेरे चाम, ना जा, रुक जा कामरान, रुक जा, ना जा मेरे बच्चे, ना जा मेरे बच्चे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, मैं तुम्हारा और अम्मी का दोनों का कसूरवार हूं। भैया, तारीख पढ़ो तारीख। अरे कम से कम हमारे खानदान में तो कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ओ भाईजान, मैं तो पहले ही कहती थी, जब घर में लड़का मौजूद है तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत? देखो खालिदा, आपदा भाईजान। हर हाल तुम्हारा जो कुछ भी नाम है, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा लड़का और हमारी लड़की एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, और फिर हमने नवाब हलीम को भी तो कॉल दे रखा है। सलीम मामू जान ना। अरे एक ही बात है भाई, वो लड़का असगर भी तो उसी का बेटा है जिसको हमने कॉल दिया था। भाईजान, आपने सुना नहीं उसकी मम्मी कौन थी? अरे मेरी बहन सायका, खानदान माओ से नहीं बाप दादा से चलते हैं। अब देखो ना, हमारे बाप दादा को सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है, मगर माँ और दादी को कोई नहीं जानता। हम अपनी बेटी से इंसाफ करेंगे। हमारे खानदान की तारीख ऐसे मुंसिफाना फैसलों से भरी पड़ी है, इसीलिए तो कहता हूँ भाई, अरे तारीख पढ़ो तारीख। खुदा पाक की कसम मैं पढ़ूंगा मामू जान, तारीख पढ़ेगा गधा। हाय, तुम्हें कभी शौक ना हुआ तारीख का? बेगम साहबा, बड़े नवाब ने कामरान मियाँ को गुंडों से उठवा लिया है। क्या? मैंने कामरान मियाँ का नमक खाया है, उनकी जिंदगी खतरे में है। खुदा खैर करे। नूरी, तू जरा मेरे घर का ख्याल रखना, और अगर अनवर आ जाए तो उसे कह देना मैं नवाब साहब से मिलने जा रही हूँ। बहुत अच्छा। कामरान कहाँ है? वो हमारा पोता है,
हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन मैं इसकी माँ। गुजरे हुए वाकयात का जिक्र करना फजूल है। जो हो चुका है उसे भुलाने को हम तैयार हैं। हम तुम्हारे साथ एक मुआहदा करना चाहते हैं। कैसा मुआहदा? तुम तो उसके बगैर जिंदा रहने की आदी हो चुकी हो। कामरान के रोशन मुस्तकबिल की खातिर उसे हमें सौंप दो। नहीं, नहीं। इसके बदले में हम तुम्हें 5 लाख रुपया देने को तैयार हैं। अगर ये रकम कम है तो इसमें इजाफा भी हो सकता है। नवाब साहब, गुजरे हुए सालों ने ना आपको बदला है और ना मुझे। आपकी सहमियत आज भी वही है और मेरा जवाब भी वही है। अगर आप सारी दुनिया की दौलत भी मुझे दे दें तो मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर संभालो ये पिस्तौल और हमें गोली मार दो। ले लो, ले लो। शायद हमें मारकर तुम्हारी नफरत की आग ठंडी हो जाए। चलाओ गोली, चलाओ। नफरत की जो आग आपने भड़काई थी उसे मेरी ममता के आंसुओं ने बुझा दिया है नवाब साहब। आप पर तो मुझे तरस आता है। आप कितने बेबस और मजबूर हैं, अपने गुरूर की जंजीरों में चकड़े हुए, झूठी आन और पुरानी रिवायात के गुलाम। आप एक ऐसे निजाम की यादगार हैं जिसे हालात ने मलिया मेट कर दिया, मगर आप भी अपनी हठधर्मी पर कायम है। नवाब साहब, मैं यहां अपने बेटे का सौदा करने नहीं आई। अगर आपने मेरा बेटा वापस नहीं दिया तो याद रखिए मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी। तुम समझती हो कि हमें बेआबरू करने के बाद अपनी फतह का जश्न मनाने के लिए जिंदा रह सकोगी? हम चाहे तो तुम्हें जान से मारकर अपना रास्ता साफ कर सकते हैं, मगर नहीं, हम तुम्हें इतनी मामूली सजा नहीं देंगे। तुमने हमारा पोता हमसे छीन लिया है, हम तुम्हारा बेटा तुमसे छीन लेंगे। तुम जिंदा रहोगी मगर अपने बेटे से दूर, तमाम उम्र उसके लिए तरसती रहोगी, तरसती रहोगी। हम आखिरी बार पूछते हैं, तुम्हें हमारी बात मंजूर है? नहीं, नहीं, मैं अपना बेटा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी अपना बेटा। जैसी बेहसियत औरत से हार मानना हमारी तौहीन है। दिलावर कुछ लेने गया है, थोड़ी ही देर में पुलिस यहां पहुंचने वाली है। तुमने हमें गोली मारी है? नहीं, तुम हमारी कातिल हो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सजा से नहीं बचा सकती। नहीं, नहीं, नहीं।
हमारा खून जाएगा नहीं जाएगा, तो हमारा इंतकाम तुमसे, तुम हमारे इंतकाम से बच नहीं सकोगी। इन्होंने इस पिस्तौल से खुद अपने आप को गोली मार ली है। आपने क्या किया पासुर? ये पिस्तौल फेंक दो कामरान और फौरन यहाँ से चले जाओ। चले जाओ मेरे बेटे, किसी के आने से पहले तुम आपको साथ में छोड़कर खुदा के वास्ते चले जाओ मेरे बच्चे, चले जाओ, ये हमारा हुक्म है, ये हमारी इल्तजा है मेरे बेटे, हमारी आखिरी ख्वाहिश है, हमें हमें आखिरी बाजी जीत लेने दो। नवाब साहब ठीक कह रहे हैं बेटा, इनको आखिरी बाजी भी जीतने दो। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आने वाली है, और अगर पुलिस ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो इनकी साजिश पूरी नहीं हो सकेगी, और अपने कत्ल का इल्जाम ये मुझ पर नहीं लगा सकेंगे। हमें हमें इंतकाम की आग ठंडी कर लेने दो बेटे, वरना वरना मरने के बाद भी हमारी रूह बेचैन रहेगी, बेचैन रहेगी। ये क्या हुआ? ये पिस्तौल? ये पिस्तौल मेरा है इंस्पेक्टर साहब, मैंने खुदकुशी की है। इसीलिए तो कहता हूं भाई, अरे तारीख पढ़ो, तारीख।